सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। जीवन एक दर्पण की तरह है, यदि आप मुस्कुराते हैं तो वह भी मुस्कुराएगा। आपका दिन शुभ हो। हारे हुए इंसान की सलाह, जीते हुए इंसान का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। आज का पंचांग 12 फरवरी 2023 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 9:46 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 2:27 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:44 से 6:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 12 फरवरी 2023 दिन रविवार, कानूनी मामलों के लिए आपको अपनी शिक्षा के किसी सलाहकार के साथ यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी क्लास में हिस्सा लेकर अपनी आध्यात्मिक साइट को जानी, इससे आपकी चिंताएं कम होगी। समझदारी से योजना बनाकर यात्रा करें ताकि दुर्घटना या चोट से बचा जा सके। आज अधिकतर समय धन के मामलों को निपटाने में बीतेगा। किसी भी तरह की वित्तीय अटकलों से बचें, आय से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। जब तक आप अपनी परेशानियों का कारण अपने भाग्य को मानते हैं, तब तक सही मायने में आप अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं पा सकती। आप आजकल हर किसी की नजर में हैं, जल्दी ही आप अपने दुश्मनों को पहचान जाएंगे। इनसे निपटते हुए सावधान रहें क्योंकि ये लोग आपको भड़काकर आपको गलत साबित करना चाहते हैं। यदि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है तो पीछे हट जाएं। हालांकि आपको कोई ऐसा भी मिलेगा जिस पर आप यकीन कर सकती हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं क्योंकि बोलने में सावधानी बरतें। प्यार के मामलों में आज आप गलत समझे जा सकते हैं। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साहित होंगे। बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकती हैं। लेकिन आप अकेले तो होंगे लेकिन शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं हैं। आपके लिए यह बहुत खूबसूरत दिन रहेगा लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई तरह के गतिविधियों में व्यस्त रहेगी। अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। इनके द्वारा आपको चमत्कारी रूप से भावी लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। कोई नजदीकी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। परिवार के कुछ लोगों का साथ प्राप्त हो सकता है। आपको अपना निर्णय अमल में हड़बड़ी नहीं करनी है। दूसरों की गलत बातों की वजह से खुद के लिए नकारात्मक विचार ना बनाएं। काम से जुड़ा टारगेट पूरा हो सकता है। नए व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। शरीर में विटामिन की कमी ना हो इस बात का ध्यान रखें। आपके द्वारा किए गए किसी भी अच्छे काम के लिए आपको समाज में सम्मान मिलेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में धन लगाने की सोच रहे हैं तो इस पर गंभीरता से विचार कर लें। इस समय स्थिति अनुकूल है। सभी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपना सम्मान स्वयं संभालें। मौजूदा कारोबार के साथ साथ किसी नए काम में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। दांपत्य खुशी भी रहेगा। सावधानियां, किसी निकट संबंधी के विवादित जीवन में कुछ तनाव आने से चिंता रहेगी। आपकी मध्यस्थता और सलाह काफी हद तक उनकी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम भी हो सकती हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव रहेगा। इसका असर घर की समस्या पर ना पड़ने दें। आपके साथी या परिवार आपके लिए वो संपत्ति है जिनके बिना आप अधूरे हैं।
आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इसका इजहार भी जरूरी है। अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करना और अपने पार्टनर के साथ किसी खास यात्रा पर जाना आपकी केयर व लव को प्रदर्शित करेगा। रोमांस के लिए आज के दिन अच्छा है, बशर्ते आप ऐसे के मामलों को प्राथमिकता ना दें। अपने या किसी अन्य के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले थोड़ा विचार करें। प्यार का इजहार एकदम करने की जगह धीरे धीरे से इस रास्ते की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्ती से शुरुआत करके आप जल्द ही मंजिल को पाएंगे। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रश्न के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, बहन भाई, आपका पूरा परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृद्धि व्यापार में ना फंसें। वेतन वृद्धि के लिए अपनी वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डालें। इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। कार्यस्थल में आपके अधिकारी या मालिक आपकी योग्यता को पहचानेंगे और आपको प्रशंसा के साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त होगा। आज आपके द्वारा उठाया हुआ हर एक कदम आपके लाभ की शुरुआत साबित होगा। अभी किसी भी तरह के कानूनी मामलों या दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहें। आज आपका अधिकांश समय धन के मामलों में व्यतीत होगा। आप नए वित्तीय निवेशों और अनुमानों में शामिल हो सकती हैं। नए कार्य को करने से पहले उसका अच्छे से अध्ययन करें ताकि कोई परेशानी ना हो। नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों से सलाह लें। जो भी करें सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करें। बिजनेस संबंधित योजना चल रही है तो उस पर काम करने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी पेशे लोग अपने काम के प्रति ज्यादा ध्यान दें क्योंकि प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक मेहनत की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। ऊर्जा बनाए रखने के लिए बदलते मौसम से भी अपना बचाव करें। आज आपको अपने शारीरिक फिटनेस को और भी दुरुस्त करने के लिए किसी से प्रेरणा मिलेगी। आप दिमागी तौर पर यह बात अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी फिटनेस को सुधारना है, लेकिन करने के नाम पर आप पीछे हटते रहे हैं। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो चाहे खुद बहुत अच्छे रूप आकार का स्वामी ना हो, लेकिन आपको अवश्य प्रेरित करेगा। आज आप कोई नया व्यायाम कार्यक्रम या खाने का नया पैटर्न शुरू कर सकते हैं। आज का उपाय। आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।